Donate saffron pouches on every Thursday at Lakshmi Vishnu temple. As a result, this ritual will give you long-term benefits to strengthen your Jupiter. ठीक है, सैफरन के पाउचेस इन लक्ष्मी विष्णु टेम्पल, ये एक उपाय होता है जुपिटर को ठीक करने का, जिसका जुपिटर एफ्लिक्टेड होता है। सैफरन अगर हम डोनेट अच्छा करते हैं मंदिर में लक्ष्मी विष्णु टेम्पल्स में, तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो सैफरन की एक टेंडेंसी है वोलेटाइल होता है, इतना वोलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसकी ना काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा जल्दी है सैफरन की, बिकॉज ऑफ इट। कलर ले सकते हो आप, रेड कलर होता है ना, सीधा जाता है एकदम फटाफट, इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा, इतनी सटल होता है, जितना सटल इसकी वेवलेंथ कम होती है उतना जल्दी स्ट्राइक करता है, तो इसकी स्ट्राइकिंग रेट, इसकी हैपनिंग रेट बहुत ज्यादा है। मैम, ठीक इसका कोई पर्टिकुलर डे भी है क्या? है, थर्सडे हो गया ना, थर्सडे को हमें लक्ष्मी विष्णु टेम्पल पे अच्छा करना है जुपिटर ठीक करने के लिए। अब जैसे ये मेक अ स्वीट डेजर्ट विद राइस, पुट सैफरन इन इट एंड ईट इट ऑन मंडे थर्सडेज एंड फ्राइडेज। बेसिकली ये आपका ना अंदर से आपकी एनर्जी में, आपने जिस इंटेंशन से खाओगे ना वो बढ़ाएगा। अगर प्रोस्पेरिटी के और अबंडेंस की एनर्जी के लिए खाओगे तो वो आपकी एनर्जी को बहुत रिच कर देगा, यू फील इट। आप ये करके देखिए, आप तक 2 हफ्ते करके देखिए, आई एम टेलिंग यू, इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, आपके सारे काम होने लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। यू ट्राई एंड डू इट, ठीक है। फाइनेंस अच्छा में ब्लॉकेजेस हटाने के लिए सैफरन डालिए पानी में, नहा लीजिए, 2 स्ट्रैंड्स डाल दीजिए। अब आपको डालने से पहले ना, अब आप इसको एनचेंट करेंगे, एनचेंट कहते हैं ये सारे काम करने से पहले हमें इसको एनर्जाइज करना है हर्ब को अपनी इंटेंशन से, ठीक है। तो हमने कैसे किया, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। आपको सबसे पहले अपने पास रखना है, आपको जैसे मैंने बताया ऑल्टर होता है, हमने ऑल्टर एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे हम सारे हर्ब्स को चार्ज करते हैं, उसको यूज करते हैं स्पेल्स के लिए, ठीक है। आपने उस पे रखा, आपने अपनी इंटेंशन क्रिएट की, विजुअलाइजेशन किया, एनर्जी क्रिएट करी। जब एनर्जी आपके हाथ में आ गई, ठीक है, ऑलराइट, दिमाग में आपने विजुअलाइज किया किस चीज के लिए कर रहे, वो एनर्जी आपने हाथ में ट्रांसफर कर ली। अब उस एनर्जी को आपको हर्ब पे रखना है एक हाथ को, ठीक है, देन यू नीड टू ट्रांसफर द एनर्जी टू दैट हर्ब। आप अपनी पूरी एनर्जी जैसे आपने ट्रांसफर करी अपने हाथ से एल्बो में, एल्बो से थर्ड आई चक्र पे, थर्ड आई चक्र से बाहर बॉडी पे ट्रांसफर करी ना आपने सारी जगह, ऐसे ही ट्रांसफर करते करते हाथ में आ गए, फिर हाथ से, पावर हैंड से, जिस हाथ से आप सारा काम करते हो उस पावर हैंड से आपने उस हर्ब के अंदर उसको ये इन्फॉर्मेशन दी, भैया आपको इस चीज के लिए काम करना है, यू आर मैम, ये गेटिंग तो आपने एनर्जाइज। बहुत सिंपल कर दिया, ये बहुत इजी यस हो गया। हम दो यस एक्सरसाइज कर चुके हैं, हमें आ भी गया ये आ करना। भी गया। तो पता है क्या होता है, बेसिकली आपकी जो विश होती है और आपकी एनर्जी, वो एकदम से ना, यू नो, दे क्रिएट अ फ्रिक्शन, उसके अंदर इतनी पावर जनरेट होती है, वो सारा जाके फटाफट ट्रांसफर ट्रांसफर हुआ, नाउ यूज इट, ठीक है, क्लियर है, यस मैम। ऑलराइट। मैम, अपन तो ने यदि ये मैंने किया है तो कोई और यूज कर सकता है क्या उसे? आपको उनके नाम से करना पड़ेगा। ओके। और जो अब मिश्री का देखिए, प्रपोर्शन? एज अ हीलर हम लोग सबके लिए काम करते हैं ना, हम लोग खाली अपने लिए काम नहीं करते, एज अ हीलर। तो एज अ हीलर आप क्या करेंगे, जब किसी को बनाकर देना है तो यू कैन मेक दैट रेमेडी एंड यू नो मेक इट अ पाउच एंड गिव इट टू देम, ओके। और है ना। वो प्रपोर्शन इसलिए मैम मिश्री का? देयर इज नो प्रोपोर्शन, इट्स टोटली अप टू यू, आप कितने प्रोपोर्शन में इसको बनाना चाहते हैं। वैसे तो इक्वल प्रोपोर्शन, जैसे मिश्री ज्यादा रखते हैं और ये चीज कम रखते हैं, सैफरन एंड इलायची कम रखते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो बस उसी हिसाब से नेचुरली। मैम, व्हाट मिस्ट्री थैंक एंड यू। मक्का इन इंग्लिश? व्हाट मिस्ट्री इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और जी मक्का ही जी कुछ बोला ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मखाने, मखाने इज द बटर। लोटस सीड, ओ है मैडम। ना, हाँ, एंड और मिश्री इज द इन वेल से कल्लू सकरे मैम इन कन्नडा, व्हाट, जानवी वाज कन्नडा, कन्नडा, कल्लू व्हाट, सकरे, कल कल्लू सकरे, ओके सकरे। ओके कल ओके, सकरे कल ना मैडम। सकरे। ओके थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू, जो प्लीज मुझे भी सिखा दीजिए। सैफरन विष्णु लक्ष्मी के टेम्पल में देना है, वो भी के चार्ज करके देना है या विदाउट चार्ज के देना? चार्ज करके सर, अपनी इंटेंशन से ही चार्ज करके देंगे, आपकी भावना, आपकी इंटेंशन पूरी होनी चाहिए तब आप देंगे उसे, तभी आपके लिए एकदम पर्टिकुलर काम करेगी, नहीं तो यूनिवर्स को मैसेज नहीं जाएगा आपने किस लिए दिया। जी, हमेशा नहीं, हर हर्ब्स को बार चार्ज कर ही कर करके देना है।
हर बार देते समय हमें पूरा ये टेक्निक करना है मैम, दो कंप्लीट मिनट नहीं मेडिटेशन। लगेंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको। किया क्या आपने, एक बार कंसंट्रेट किया, डीप ब्रीथ किया, आपने एनर्जी फील की, ट्रांसफर करी, फटाफट ट्रांसफर हुई, आपने सर्कुलेट किया उसको, एकदम कंसंट्रेट किया, ट्रांसफर ट्रांसफर डाइजेशन, खड़े खड़े कर देंगे आपका। मैम वन टाइम अपन दो तीन चीजें कर सकते हैं क्या? लाइक एग्जाम्पल, मिस इंटेंशन मिश्रिका आपकी है उन एक। चीजों के लिए एक सी होगी तो आप कर सकते हो, ओके है ओके ना? जैसे राइट, जैसे आपने सही पूछा, गुड क्वेश्चन, कि मिश्री, इलायची और सैफरन सबके लिए अगर एक साथ हमें करना है तो हम सबको एक साथ, अगर इंटेंशन सबके लिए में एक साथ ही कर दीजिए, ठीक है? गुड। ओके।